ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है भारत जोड़ो यात्रा है 2023 के विधानसभा 2024 के लोकसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है पर यह बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद है हमारे संगठन को मजबूत करना हमारे संगठन और कार्यकर्ताओं में नया जोश उमंग उत्साह एक संजीवनी देना यह बात सही है पर क्या हमें फायदा मिलेगा चुनाव में मैं नहीं कह सकता हूँ वो संगठन पर निर्भर होगा एकता एकजुटता अनुशासन कई ऐसे हैं चीजें हैं अगर हम उसको नहीं पालन करेंगे तो चुनाव में हमें सकारात्मक नतीजे नहीं मिलेगी पर भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ये था जब उदयपुर में चिंतन बैठक हुई और तेरह चौदह पंद्रह मई को बातचीत हुई तो हमने तीन बड़े मुद्दे पर बहस हुई जो आज देश से गुजर रहा है और ये मुद्दे जो हैं ये चुनौतियां जो हैं मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण है पहला सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं हमारे समाज में दूसरा सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और तीसरा राजनीतिक तानाशाही हकीकत हो गई है इससे हम कैसे मुकाबला करें ये चुनावी मुकाबला नहीं विचारधारा के आधार पर हम कैसे मुकाबला करें इसीलिए इस संदर्भ में भारत जोड़ो यात्रा की कल्पना की गई इस पर विचार हुआ दो तीन महीने लगे और उसके बाद में हमने घोषणा की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा हम कमजोर हुए हैं हम कमजोर हुए हैं संगठन में कमजोर हुआ है हम चुनाव हार रहे हैं पर चुनाव हारना कोई बुरी बात नहीं है चुनाव हम जीतते हैं चुनाव हम हारते हैं विचारधाराओं मुकाबले में हम थोड़ा पीछे हट गए हैं कांग्रेस की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा जमीन आसमान का फर्क है और अगर आप देखें पचास के दशक साठ के दशक सत्तर के दशक अस्सी के दशक कांग्रेस सर्वोपरि थी कांग्रेस की विचारधारा सर्वोपरि थी पर कुछ 20-25 साल से पे। और खास तौर से 2014 के बाद जिस आक्रामक ढंग से हमारे नेताओं पर हमारे विचारधारा पर हमारे नीतियों पर और हमारे नियत पर आक्रमण हुआ है उसका हमें कभी ना कभी मुकाबला जवाब तो देना पड़ेगा तो ये भारत जोड़ो यात्रा एक मैं समझता हूँ एक तरीका है जनता के बीच में जाना सड़क पर दिखाई देना कार्यकर्ताओं को एक एक नया रास्ता दिखाना हमारे नेताओं को भी एक मौका देना कि आप आए सड़क पर आप चलें बातचीत करें अलग अलग समूहों से तो ये जादू की छड़ी नहीं है इससे सब सही हो जाएगा हम चुनाव जीतेंगे एकता आ जाएगी हम एकजुट हो जाएंगे नहीं तो कमज़ोर हैं हम कमज़ोर हुए हैं हमारी हमारा प्रदर्शन गुजरात में बहुत निराशाजनक है बहुत भारी मात्रा में फ्रॉड होने के बावजूद मैं ये कहूंगा तो भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं है एक प्रक्रिया हमने शुरू की है इसके बाद से इसके बाद में 26 जनवरी से हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं तो इसका फॉलोअप दो महीने के लिए होगा हमें करता हमें हमेशा ऐसे यात्रा या अभियान चलाने होंगे कुछ बहुत दिन बहुत देर से सत्ता में रहने के कारण ये सब प्रक्रिया हम भूल गए हैं ये रीडिस्कवरी है हमारे लिए